नमस्कार, आर्टिकल 38 में आप सबों का स्वागत है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 के बाद भारत बहुत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस रिपोर्ट में बताए गए बात के अनुसार भारत में इस कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर के बीच में भारत का जीडीपी के पर कैपिटा शेयर में 10.3% की गिरावट को देखा जा सकता है। जीडीपी के पर कैपिटा शेयर को सरल भाषा में समझते हैं, देश के अंदर उत्पादित फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विस के मौद्रिक मूल्य को देश की आबादी से डिवाइड किया जाता है, इसे ही जीडीपी पर कैपिटा कहा जाता है। कहने का मतलब ये पर कैपिटा जीडीपी में 10.3% के गिरावट को देखा जा सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश भारत से आगे निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शन में फिर से भारत बांग्लादेश से आगे निकल जाएगा। पूरे दुनिया भर में स्पेन और इटली के बाद भारत की जो गिरावट है ये सबसे बड़ी है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्शन के मुताबिक भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश भारत से आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। भारत से पीछे जो रह जा रहे हैं वो दो देश हैं, पाकिस्तान और नेपाल। रिजर्व बैंक के प्रोजेक्शन के मुताबिक जीडीपी पर कैपिटा में जो गिरावट है वो 9.5% की रहेगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शन में 9.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब साफ है, यदि रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रोजेक्शन में भारत के जीडीपी के पर कैपिटा में गिरावट 9 से 10% बताई जा रही है तो इसी आसपास में गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। अब आईएमएफ क्या है, इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। 1944 में आईएमएफ के गठन के बारे में बातचीत शुरू हुई और फाइनली 1945 में आईएमएफ का गठन हुआ 29 देशों को लेकर। और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में 189 देश आईएमएफ के सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पर्पस को 4 बिंदुओं के तहत मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। इसके उद्देश्य में जो पहला बिंदु है वो ये है कि दुनिया में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। तीसरा, पूरी दुनिया में रोजगार को बढ़ावा देना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना। चौथा, दुनिया की गरीबी को कम करना। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएमएफ का जो रिमार्क है कितना मजबूत है और आईएमएफ का क्या महत्व है पूरी दुनिया में, इसी से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी भी सदस्य देश को आर्थिक तंगी के दौरान में जब उन्हें लोन की आवश्यकता होती है तो आईएमएफ ही उन्हें लोन प्रोवाइड करता है और आईएमएफ का कनेक्शन सीधा सीधा वर्ल्ड बैंक से है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर सदस्य देश को वो लोन के तौर पे दिया करता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएमएफ का पूरी दुनिया में कितना बड़ा महत्व है। आईएमएफ के द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, अपनी सोच को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों परिचितों तक इसे पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।